का नौबतपुर, मतलब नौबतपुर एरिया में आता है। नौबतपुर यहाँ से 4-5 किलोमीटर में है। गंगा नदी दिखाते हैं, बड़ा वाला जो गंगा नदी है उस गंगा नदी को भी दिखाते हैं। टमाटर को भी काट लेते हैं क्योंकि बनेगा आज हम लोगों का सेव टमाटर, है ना। देख रहे हो जग, हमने नया जग लिया है जो कि हम लोगों को पड़ा है 750 रुपए का। बढ़िया तरीके से फ्राई हो चुका है, तो अभी इसमें डाल देते हैं पानी। इसमें एक कटोरी सेव, ये चला सेव, मतलब क्या कहते हैं, डूबे भी नहीं है। और बोलते हैं भाई सूर्य डूबने से पहले पहले खाना खा लो, नहीं तो सूर्य डूबने के बाद में खाना खाओ। अभी तो यही सब बनेगा, अभी 10 दिन तक है ना। निकल रहे अजीत भाई शीशा वगैरह साफ कर रहे हैं, फिर उसके बाद में निकलते हैं। देख सकते हो शीशा वगैरह साफ हो रहा है, उसके बाद में यहाँ से दोस्तों निकलते हैं। हम लोग भी पुलिया पार करते हैं, उसके बाद मुजफ्फरपुर पार करके सीधा फोर लाइन वाला रास्ता, रड़िया वाला रास्ता पकड़ के सीधा चलते हैं। तो चाय वगैरह पीते हैं दोस्तों, गाड़ी भी बंद करते हैं, ठंडी हो जाएगी। हेलो तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ भाई बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तुम्हारे नए ब्लॉग में फिर से स्वागत करता है आप लोगों का अजय भाई। तो दोस्तों इस समय हम लोग आ चुके हैं, अभी पटना से करीबन 20-30 किलोमीटर पहले हैं। ये इस जगह का नौबतपुर, मतलब नौबतपुर एरिया में आता है। नौबतपुर यहाँ से 4-5 किलोमीटर में है। तो यहीं पर मस्त सा ढाबा पड़ा, सुबह सुबह हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके थे करीबन 8 बजे के आसपास में। तो देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई है। तो यहीं पर दोस्तों हम लोग गाड़ी को भाई लगा के रखे हुए थे, क्योंकि भाई उधर जाने से कोई मतलब नहीं है। इसके वजह से सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा उधर भीड़ भी रहता है। तो अभी आगे चल के थोड़ा बहुत कुछ सामान वगैरह लेते हैं। खाना पीना हम लोग ऐसे तो अभी बनाए नहीं है, दोपहर में मतलब सुबह हम लोगों का हो गया था, बासी खा लिए थे। चावल बचा हुआ था तो उसको बासी बोर के रख दिए थे, तो बासी खा लिए थे। तो अभी 3 बज चुके हैं, तो अभी चलते हैं दोस्तों, सामान वगैरह लेते हैं, उसके बाद उधर खाना पीना बना खा के 5-6 बजे निकल जाएंगे सिलीगुड़ी के लिए। आज रात को सिलीगुड़ी मेरे ख्याल से हम लोग बंगाल इंटर हो जाएंगे। तो देखते हैं, चलते हैं, अभी सामान वामान ले लेते हैं। सोच रहे हैं रोटी वगैरह बनाते हैं, और रोटी एकदम आसान तरीके से बनाएंगे, आप लोगों को दिखाते हैं किस तरीके से। और ऐसे तो टमाटर है, टमाटर की चटनी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि गर्मी में और कोई सब्जी तो ऐसे भी बनाने में मज़ा नहीं आता भाई, मीट वूट तो ऐसे भी नहीं बनेगा, क्योंकि अभी तो भाई अब चलना चालू हो गया, क्या कहते हैं, नवरात्रि, इसके वजह से। तो अभी दोस्तों यहाँ से निकलते हैं। तो दोस्तों अभी देख सकते हो यहाँ पर मिर्ची प्याज कटा जा रहा है, बाकी मिर्ची तो अभी काट रहे हैं, प्याज काट दिए पहले ही। और यहाँ से दोस्तों अभी हम लोग चलेंगे 5 नहीं तो 6 बजे, जैसे वही ठंडा हो जाएगा मौसम, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे और आप लोगों को अच्छे अच्छे नज़ारे वही दिखाते हैं, पूरा ट्रैफिक एरिया दिखाते हैं, गंगा नदी दिखाते हैं, बड़ा वाला जो गंगा नदी है उस गंगा नदी को भी दिखाते हैं। अभी तो डबल कर दिया, पहले तो गंगा नदी पहले सिंगल था, जिस समय मैं कंडक्टिंग करता था उस समय, अभी तो डबल कर दिए, तो डबल कर दिया वाला भी आप लोगों को दिखाएंगे। बाकी भाई जो भी होता है रोड में आप लोगों को पूरा दिखाएंगे। मिर्ची काट दिए, थोड़ा सा दो चार कड़ी लहसुन डाल देते हैं, खुला वाला, बस ज़्यादा नहीं है ना। और टमाटर उधर धो धा के बढ़िया रखें, टमाटर को भी काट लेते हैं क्योंकि बनेगा आज हम लोगों का सेव टमाटर, है ना भाई। इधर सेव भी पड़ा हुआ है, तो फटाफट बना के फटाफट निकलते हैं। तो दोस्तों चावल लगभग अब बनने वाला है, देख सकते हो, बस नीचे का पानी सूख जाएगा, उसके बाद हम लोग का चावल रेडी। और बाकी जो देख रहे हो जग, हमने नया जग लिया है जो कि हम लोगों को पड़ा है 750 रुपये का, क्योंकि वो वाला जो था ना दोस्तों, उसमें क्या है ना, पानी जो कि है ना भाई ज़्यादा टाइम तक ठंडा नहीं रहता था, गर्म हो जाता था, इसके वजह से हमने ये नया वाला ले लिया है जो कि बढ़िया है। पानी कल का भरा हुआ है, अभी तक ठंडा है पानी, कल शाम को भरे हुए थे उसमें, लेकिन अभी तक ठंडा है पानी, ऐसा टाइप का है, तो बढ़िया है। गर्मी में क्या है ना कि क्या कहते हैं, पानी ठंडा पीने के लिए बढ़िया थे, और उस वाले में पूरा गर्म हो जाता था, उस वाले को अभी रखे हुए हैं, कभी कभार काम आ जाएगा तो ऊपर में डाल दिए, उसको रख दिए हैं। बाकी अभी हम लोगों का चावल लगभग अब रेडी होने वाला, सब चीज़ काट पीट के हम लोग रेडी रख लिया। यहाँ पर टमाटर हो गया, मिर्ची, प्याज, लहसुन, तीनों आइटम काट दिए हैं, बस ये जल्दी बन जाए, फिर उसके बाद में यहाँ से
खाना पीना खा के हम लोग निकलते हैं। तो चावल बन के रेडी हो चुका है, अब चले सब्जी बनाने के लिए दोस्तों। थोड़ा सा ये चली दोस्तों, दो ठो खड़ी मिर्च लाल वाली और थोड़ा सा जीरा, और ये चला दोस्तों तीनों आइटम। अब बढ़िया से इसको मिक्स करते हैं और थोड़ा लाल करते हैं। इसका खुशबू जो है ना दोस्तों बहुत ही बढ़िया आता है, मस्त सा। खड़ा मिर्ची डाल दिए हैं, तो देख सकते हो बढ़िया तरीका से लाल हो चुका है। तो अभी इसमें जाएगा टमाटर, ये दोस्तों नमक भी डाल दे, ये चला नमक। तो ये चला दोस्तों धनिया पाउडर, ये चला थोड़ा सा लाल मिर्च, काली मिर्ची और जीरा पाउडर है। ये हल्दी, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, अब मिक्स कर लेते हैं भाई पूरा। अब बढ़िया से दोस्तों इसको ग्रेवी बनाते हैं ना, फिर उसके बाद में जाएगा इसमें सेव। तो बढ़िया तरीके से फ्राई हो चुका है, तो अभी इसमें डाल देते हैं पानी अपने हिसाब से, है ना। अब इसमें आने देते हैं उबाल, फिर उसके बाद में जाएगा इसमें सेव। ये देखो तरी बन के रेडी हो चुका है, अब इसमें आने देते हैं उबाल बढ़िया से। तो देख सकते हैं दोस्तों बढ़िया तरीके से ये हो चुका है तैयार। तो अभी जाएगा इसमें एक कटोरी सेव, ये चला सेव। अब इसको कर देते हैं बढ़िया से मिक्स और उतार देते हैं, क्योंकि पकने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता इसको, है ना। ये देखो, तो इस तरीके से हम लोगों की सेव भाजी, सेव टमाटर बनती है भाई। और सेव भाजी वाली रेसिपी आप लोग देखे ही होंगे, बाकी वो भी बनाएंगे और दिखाएंगे आप लोगों को। तो हम लोगों का सेव टमाटर रेडी हो चुका है बढ़िया से, ये देखो। तो उतार देते हैं, अब ज्यादा पानी नहीं रखेंगे, नहीं तो फिर पानी पानी हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा खाना बन के रेडी हो चुका है, देख सकते हो, और बहुत दिनों बाद बना है भाई सेव टमाटर। तो निकाल लेते हैं फटाक से खाना, खाते पीते और निकलते हैं। ये देख सकते हो दोस्तों एकदम लाजवाब बनी है भाई, निकाल लेते हैं भाई थाली में। अभी सेव टमाटर और चावल गरम है भाई, बहुत ही मस्त बना है दोस्तों, एकदम लाजवाब। तो दोस्तों शाम के 4:30 बज चुके हैं और अभी तो सूर्य, मतलब क्या कहते हैं, डूबे भी नहीं है। और बोलते हैं भाई सूर्य डूबने से पहले पहले खाना खा लो, नहीं तो सूर्य डूबने के बाद में खाना खाओ। तो अभी तो सूर्य डूबे नहीं है, तो हम लोग अभी खाना खा ले रहे हैं। ऐसे हम लोगों का कोई टाइमिंग होता नहीं है दोस्तों, क्या ही कर सकते हैं, कभी सूर्य डूबे ना डूबे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कहते हैं ज्यादा ऐसे ही टाइप का, है ना। तो अभी हम लोगों का खाना तो बन के रेडी हो चुका है बढ़िया, और सेव भाजी देखते हैं
बहुत दिन, मतलब सेव टमाटर देखते हैं बहुत दिनों के बाद में बना है गाड़ी पे, है ना। अभी तो यही सब बनेगा अभी 10 दिन तक, है ना। जिस तरीके से ढाबा में बनता है ना दोस्तों, उसी तरीके से बनाए। आप लोग भी अगर बनाना चाहोगे ना तो भाई ऐसे ही मस्त बनेगा। लेकिन ना जब टमाटर डालोगे, टमाटर को अच्छी तरीके से फ्राई करना, उसके बाद में ना सेव को डालना जिस तरीके से मैंने बनाया, मस्त बनेगा भाई। वो एकदम मस्त बना है। और गर्मी इतना नेक्स्ट लेवल वाली लग रही है, देख लो चड्डा और हाफ कपड़े में ही बैठा हूं मैं। और मौसम कर रहा है, ऐसा लग रहा है पानी उनी गिरेगा, ऐसा लग रहा है मौसम ऐसा कर दिया है। देखते हैं, हमारे लिए ठीक है मौसम भी, है ना, ठंडा मौसम ही हमारे लिए ठीक है। तो दोस्तों खाना पीना हम लोगों का हो चुका है और शाम के 5:30 बज चुके, तो अभी यहाँ से हम लोग निकलते हैं। और देख सकते हो मौसम भी बहुत ही बढ़िया हो रखा है। बाकी साइड में लगा रखे थे गाड़ी को, चेक कर सकते हो। बाकी दोपहर में यहाँ पर बढ़िया छाया था और टायर टप्पा भी हम लोगों का ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं अभी यहाँ से भाई, निकलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। ये देखो मौसम तो ठीक ही ठाक है, बादल ऐसा कर रखा है पानी उनी गिरेगा ऐसा लग रहा है, लेकिन क्या पता। और गांव तरफ तो हमारा पानी गिर रहा है, मम्मी बता रही थी पानी गिर रहा है उधर, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो गया था ना उधर, इसके वजह से। तो चलते हैं अभी यहाँ से निकलते हैं। तो दोस्तों शाम के बज चुके हैं 6:30 और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अजीत भाई शीशा वगैरह साफ़ कर रहे हैं, फिर उसके बाद में निकलते हैं। देख सकते हो शीशा वगैरह साफ़ हो रहा है, उसके बाद में यहाँ से दोस्तों निकलते हैं। और ये रात भर का पूरा ब्लॉग बनेगा आज कंटिन्यू भाई, पूरा नाइट भर का, क्योंकि आज नाइट भर पूरा हम लोगों को चलना है सुबह तक लेके। मतलब अभी तो डेली ही चल रहे हैं क्योंकि दिन में चलाने बनता नहीं है ना, गर्मी का बहुत मतलब भयंकर दिन आ गया है इसके वजह से। बाकी अभी यहाँ से सीधा हम लोग भाई पहुँचते हैं बंगाल, बंगाल में एंटर कर जाएंगे आज नाइट में। यहाँ से 400 किलोमीटर के आसपास होगा बंगाल का एरिया, 400 भी नहीं होगा, कम ही होगा, है ना। तो अभी शीशा उसा साफ हो जा रहा है, फिर उसके बाद में यहाँ से फटाफट निकल जाते हैं। पेट्रोल टैंकी के पास में रुके हुए थे तो ये शीशा उसा साफ करते हैं बढ़िया। तो निकलते हैं अब यहाँ से, चलते हैं पटना सिटी पार करते हैं। यहाँ से मुजफ्फरपुर तक का हम लोगों को टेंशन है क्योंकि इधर पूरा ट्रैफिक वाला एरिया है ना, इसके वजह से। फिर उसके बाद में उधर अपना भाई पकड़ लेंगे मेन नेशनल हाईवे 4 लाइन पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा उधर। फिर उधर अपना पूरा नेशनल हाईवे में निकल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अभी इधर बस पटना वाला एरिया पार कर लेते हैं, थोड़ा ट्रैफिक वाला एरिया है तो इसको पूरा पार कर लेते हैं, हो जाएगा 12-1 बजे तक पार कर लेंगे। उसके बाद सुबह सुबह तक हम लोग पहुँच सकते हैं बंगाल बॉर्डर के आसपास में, है ना, बंगाल पहुँच सकते हैं, पूर्णिया उंडिया पहुँच सकते हैं। तो देखते हैं जैसा भी है, नाइट भर तो चलना ही है हम लोगों को, ठीक है, तो चलते हैं भाई। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पटना सिटी में, देख सकते हो अपना सीधा सीधा ये वाला रास्ता अब निकल जाएगा हम लोगों का 0 माइल। आगे से चौक से कटेंगे मीठापुर का जो मंडी सीधा सीधा चला जाता है और हम लोग कट जाएंगे इस साइड, ड्राइवर साइड कट जाएंगे। तो अभी पूरा इस सिटी को पार कर लेते हैं, ट्रैफिक तो अभी ज्यादा लग नहीं रहा है, धीरे धीरे निकल जा रही है गाड़ी, तो धीरे धीरे निकाल ले रहे हैं गाड़ी को। अब देख सकते हो कितना ज़्यादा जाम लग रहा है यहाँ पर दोस्तों, धीरे धीरे अब आगे में ही भी जाम लगना चालू हो जाएगा। जहाँ पर चौक ज़्यादा पड़ जा रहा है ना वहाँ पर जाम लगना चालू है, क्योंकि इधर का गाड़ी इधर आ रहा है, इधर का गाड़ी उधर जा रहा है, इसके वजह से बीच में क्या है ना जाम लग जा रहा है। और यहाँ पर प्रशासन खड़ा भी नहीं है, इसके वजह से और दिक्कत है, देख रहे हो वहाँ पर। अरे भाई साहब ये देख रहे हो कहाँ चढ़ा दिया है डिवाइडर मेरे बाप, देख रहे हो इसको, ओ भाई साहब पूरा ऊपर, मतलब इसी के ऊपर चढ़ा के ले जाने का तैयारी था लग रहा है मेरे को, तो किसके ऊपर चढ़ा दिया है और माल भी लोड है।
तो दोस्तों सिटी पूरा पार कर चुके हैं, पटना सिटी, और अभी ओवरब्रिज पार कर रहे हैं, मतलब पुलिया पार कर रहे हैं, जो कि ये बड़ा वाला जो भी देख सकते हो, ये डबल पॉइंट का बना हुआ है। पहले एक ही पॉइंट उसी बस का पॉइंट का था, अभी ये डबल पॉइंट का बन गया है, तो दो दो पुलिया बन गया। और देख रहे हो कितना रॉन्ग साइड से आ रहे हैं मोटरसाइकिल वाले लोग, उस साइड से आना चाहिए लेकिन उस साइड जाम लगा हुआ है, इसके वजह से वो लोग इस साइड से आ रहे, कार भी इसी साइड से आ रही है, इसी वजह से दोस्तों दुर्घटना होती है भाई। अपनी साइड में चलो ना, क्या ही जाम लगा हुआ तो क्या कर सकते हैं, है ना, लेकिन अपने अपने जगह में चलना चाहिए। देख रहे हो ये देखो ऑटो ऑटो वाले आ रहे, मेरे ख्याल से नहीं ऑटो वाला नहीं, पूरा मोटरसाइकिल वाले लोग हैं, तो देख रहे हो इधर जाम लगा हुआ है इसके वजह से, क्या ही कर सकते हैं दोस्तों। हम लोग भी पुलिया पार करते हैं, उसके बाद मुजफ्फरपुर पार करके सीधा फोर लाइन वाला रास्ता, रिया वाला रास्ता पकड़ के सीधा चलते हैं। मुजफ्फरपुर हाईवे रोड में पहुंच चुका है, तो मुजफ्फरपुर से आगे जाके हम लोग कट जाएंगे अररिया के लिए, जो कि यहां से मुजफ्फरपुर अभी बचा हुआ है करीबन 20-30 किलोमीटर और बचा हुआ है, तो इस रोड में सीधा सीधा जाना है। उसके बाद में हम लोग मारेंगे राइट साइड, राइट साइड मारने के बाद फिर एक बार राइट साइड, तब जाके हम लोग अररिया वाले रोड में पहुँचेंगे दोस्तों, जो कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है बोर्ड में एक बार देखते हैं क्या क्या लिखा है भाई। अरे ये सब तो दूसरे जगह का लिखा हुआ है, हम लोगों को तो भी सीधा ही सीधा जाना है। आज रात को मेरे ख्याल से हम लोग सिल्लीगुड़ी घुस जाएंगे, अब देखते हैं जैसा भी है। तो दोस्तों अभी हम लोग मुजफ्फरपुर पार कर चुके हैं और अभी भागलपुर अररिया वाले रास्ते में आ चुके हैं, देख सकते हो। तो यहाँ पर अभी खड़ा किए हैं चाय पीने के लिए, ये देख सकते हो, क्योंकि नाइट में चलना है तो चाय पीना तो बनता ही है, एक कप कम से कम चाय पीते हैं, फिर उसके बाद में गाड़ी कंटिन्यू यहाँ से चलाते हैं सुबह तक, जहाँ तक सफ़र कट जाए खींचते हुए चलेंगे। अब तो इधर ऐसे भी पूरा फोर लाइन रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा खींचते हुए चलना है नाइट में। तो ठीक है दोस्तों, चाय वो पीते हैं फिर उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। खड़ी तो दोस्तों खड़ा कर दिए, इधर देख सकते हो गोपालगंज पटना 82 किलोमीटर, तो यहाँ से भी सीधा सीधा निकल जाएं हम लोग, चाय वो पीते हैं, चाय अभी बना रहे हैं भैया, फिर उसके बाद में निकलते हैं यहाँ से चाय पी के। चाय हो गई भाई तैयार, अजीत भाई लिया है बैठो। कितने रुपए का चाय है भाई ये? 10 रुपए। बहुत सारा दे दिया है, पकड़ ना। तो चाय वगैरह पीते हैं दोस्तों, और गाड़ी भी बंद कर दी है, ठंडी हो जाएगी थोड़ा टायर वगैरह भी, फिर उसके बाद ऐसे भी हम लोगों को कंटिन्यू चल रहा है नाइट में, है ना, तो कंटिन्यू चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस चाय पीते हैं, उसके बाद में आगे अपना कहीं और दूसरे जगह में स्टॉप होगा, तो चाय पी के निकलते हैं यहाँ से। बहुत दिनों के बाद कुल्लड़ वाली चाय पीने, थोड़ा अलग ही लग रहा है, मज़ा ही आ रहा है मतलब। रात के इस समय बज चुके हैं 12 फिक्स, और रोड देख सकते हो, रोड पूरा खाली हो चुका है दोनों तरफ का, लेकिन हमारी गाड़ी चल रही है ना, रोड पूरा खाली है, आगे पीछे कोई गाड़ी नहीं है, फिर भी हम लोग वही चल रहे हैं। और बाकी अजीत भाई भी सो गए हैं, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, तो ये देख सकते हो दोस्तों अजीत भाई भी सो गए हैं, बाकी अभी अपन भी ड्राइव कर रहे हैं बस, तो अभी चलेगी नाइट भर चलेगी, सुबह 6-7 बजे तक गाड़ी चलेगी, उसके बाद में आराम करेंगे, है ना। ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को भी एंड करते हैं और मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आया भाई लाइक कर देना, एंड नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय दोस्तों।